ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बातें कही। और जहाँ तक बात है आज के विषय की, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया की, तो स्टेरॉयड्स को और विशेष रूप से आज के कोविड एरा में जो रोल रेस्पिरेटरी मेडिसिन वालों का रहा है, जो इंटरनिस्ट का रहा है, उनको कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने करोड़ों भारतीयों की और देशवासियों की रक्षा की, और स्टेरॉयड के यूजेस में भी आप लोग जितना आप लोगों को ये करना पड़ा, और जो इसकी वास्तविक विभीषिका आप लोगों ने देखी, वह हम लोग तो बहुत बहुत दूर और बहुत बाहर है इससे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज का विषय आपके बहुत करीब है और आपके मार्गदर्शन का हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। मैं कुछ क्लिनिकल केसेस और कुछ क्लिनिकल जानकारियाँ हम प्रस्तुत करने के बाद हम बीच बीच में आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपसे आग्रह करते रहेंगे। मित्रों, जो हम लोगों का यूजुअल प्रोग्राम अभी तक इंसुलिन मॉड्यूल्स चला है, आज का थोड़ा सा उससे अलग रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है और थोड़ा मुझे इसकी रूपरेखा बनाने के लिए इंसुलिन के अतिरिक्त भी स्टेरॉयड और बाकी जानकारियों पर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज का प्रोग्राम बाकियों से अलग है। तो अभी हम सबसे पहले स्टेरॉयड हॉर्मोन्स के विषय में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वहीं से आरंभ होगा हम किस प्रकार से उनको ट्रीट करें, क्योंकि प्रत्येक स्टेरॉयड हार्मोन दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न है, और इसी कारण से उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी एक दूसरे से भिन्न है। जब हम इन दोनों को समझ पाएंगे तो उसके बाद ही हम यह ठीक प्रकार से निर्धारण कर पाएंगे कि इनके द्वारा उत्पन्न हाइपरग्लाइसीमिया को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सर्वप्रथम आइए समझते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, और अपने चिरपरिचित अंदाज में यह बताने के बाद कि स्टेरॉयड हार्मोन्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और गोनाडल स्टेरॉयड्स होते हैं। ये तीन मिलकर स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं। लेकिन हम अपनी प्रश्नोत्तरी पे आ जाते हैं। विजय जी तैयार हैं आप, यस सर, और आपकी टीम भी यस तैयार है? चलिए, यस सर, रेडी। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि ये तीन प्रकार के जो स्टेरॉयड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और गोनाडल स्टेरॉयड्स, इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया करने की टेंडेंसी या डायबिटीज उत्पन्न करने की टेंडेंसी किसमें होती है? सर्वाधिक डायबिटोजेनिक हार्मोन इन तीनों में कौन सा है? 10 सेकेंड, और सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, और आप लोगों का जो उत्तर है बहुत ही उत्साहित करने वाला है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स 98% कह रहे हैं कि वास्तव में हर हार्मोन एंटी इंसुलिन होता है, हर हार्मोन डायबिटोजेनिक होता है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनाडल स्टेरॉइड, वो भी गलत नहीं कह रहे, इनसे भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। लेकिन जब हम इन तीनों को मिला के पूछ रहे हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन डायबिटोजेनिक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सर्वाधिक डायबिटोजेनिक है। इसलिए जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया यह भी कहते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हमारे पास कम नहीं है, बहुत तरह के हैं, कुछ नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कुछ सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इतनी लंबी लिस्ट में अब प्रश्न ये आता है कि जब हमारे पास इतने सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और हम इनको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो हम कोविड में, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कोविड में हम जब इन सबको यूज कर रहे हैं तो कोविड में लेने का औचित्य क्या है? विजय जी प्रश्न लॉन्च करिए, थोड़ा आप सीधे रिजल्ट्स पे आगे दोबारा लॉन्च करें इसको। हाँ सर, कर दिया सर। जी, तो आखिर हम कोविड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों प्रयोग में लाते हैं? मूड एलिवेटिंग इफेक्ट के कारण से, उनका इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं ये स्टेरॉइड्स, इसलिए एंटी इंफ्लेमेटरी है, या ये किसी का बीपी फॉल कर रहा हो तो सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट और बीपी रेजिंग इफेक्ट के कारण से। तो देखिए, हमारे 86% लोगों को, 86% लोग कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के कारण से हम लोग यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को प्रयोग में लाते हैं, और वास्तव में यही एक सही उत्तर है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रयोग कोविड जैसे इन्फेक्शंस में उनकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण से होता है, क्योंकि यह एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, और इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम इसलिए देते हैं जिससे उनका एंटी इंफ्लेमेटरी रोल से और हम इसके द्वारा होने वाले दुष्परिणामों से बच सकें।
लेकिन कोविड के हर पेशेंट को तो हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते नहीं है, तो कोविड के कुछ सिलेक्टेड लोगों में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। कब देते हैं? जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा हो। विजय जी प्रश्न लॉन्च करिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा हो तब, जब CRP बढ़ रहा हो तब, जब कोविड से निमोनिया हो चुका हो तब, या निमोनिया से जब हेपेटाइटिस हो चुकी हो तब, या इनमें से सभी इंडिकेशन है कि जब ऐसा चल रहा हो तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रयोग करेंगे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रयोग हम लोग आखिर कोविड में किस समय करते हैं? और बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अधिकांश 71% लोगों ने कहा है कि ये सब जब हो तब हम इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रयोग करते हैं, जो कि कोई भी चीज 100% सही नहीं होती। डॉक्टर DP सिंह इसमें बेहतर हम लोग बाद में इसके विषय में प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब विशेष रूप से निमोनाइटिस और हाइपोक्सिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रयोग करते हैं, इनकी एंटी इंफ्लेमेटरी रोल के कारण से। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की है जो हमको सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम की है, और उसी के लिए यह कोविड निमोनिया जैसे केसेस में हाइपोक्सिक स्टेट में हम इनको यूज करते हैं। तो अब अगर हमें कोविड निमोनिया का एक केस हो जिसको हाइपोक्सिया हो रहा हो, जिसमें हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करने हो, तो हम इनमें से कोई भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इनमें से किसकी सबसे ज्यादा है, विजय जी क्वेश्चन लॉन्च करिए कि कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैक्सिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इन सब में रखता है। यह थोड़ा सा एक अलग थ्योरेटिकल सवाल आया, क्योंकि इन्हीं से हम इन से किस प्रकार से हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसको ही हम आगे किस प्रकार से ट्रीट करना है इसको डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है? तो लोगों के टाई है यहाँ पे 44% मिथाइल प्रेडनिसोलोन और 38% लोग कह रहे हैं डेक्सामेथासोन। ओके, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इनमें से डेक्सामेथासोन है जिसका एंटी इंफ्लेमेटरी रोल सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इसको हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि एक प्रोटोटाइप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन से अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन से 3 times ज्यादा पोटेंट है प्रेडनिसोलोन, 6 times पोटेंट है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। सिंथेटिक बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रैम्सोलोनोन 5 times, डेक्सामेथासोन 26 times। तो अगर हम एंटी इंफ्लेमेटरी रोल की बात करें तो डेक्सामेथासोन कहीं आगे है बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से अपने एंटी इंफ्लेमेटरी रोल के कारण से। तो अब अगर हम जो ओरल थेरेपी में और अपने आउट पेशेंट्स में अगर हम यूज करते हैं तो अधिकतर हम जैसे प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। हमने यह भी देखा कि थोड़ा मिथाइल प्रेडनिसोलोन के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा है, क्लिनिशियंस इसको ज्यादा यूज करते हैं। शायद इन दोनों में मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है लगभग 2 times है, इसलिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन डेक्सामेथासोन अगर इससे इतना अधिक पोटेंट है तो डेक्सामेथासोन को हम लोग मैक्सिमली प्रेफर क्यों नहीं करते? तो आपसे प्रश्न यह है कि डेक्सामेथासोन इसमें क्यों प्रेफर नहीं किया जाता बाकी के कंपैरिजन में? कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए मैं सीधे इसके आंसर पे जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लिस्ट से अभी आगे विजय जी और आपकी टीम उनको बोल दीजिए कि ये अभी डिस्प्ले करने से कोई लाभ नहीं, और आगे जब कुछ बात होगी तो अगला प्रश्न वो डिस्प्ले करेंगे जब करना होगा, ये वाला नहीं। ओके सर। डेक्सामेथासोन हमारा मैक्सिमम एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है उस एक्सिस का सप्रेशन भी सबसे ज्यादा करता है। तो अगर हम इनमें से देखें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन द्वारा सप्रेशन सबसे कम है, लेकिन प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन ट्रैमिसोलोन इससे ज्यादा करते हैं, और डेक्सामेथासोन सबसे ज्यादा HPA एक्सिस का सप्रेशन करता है। इस कारण से एंटी इंफ्लेमेटरी रोल सबसे ज्यादा होते हुए भी HPA सप्रेसिंग प्रॉपर्टी अधिक होने के कारण से
डेक्सामेथासोन को उतना ज्यादा यूज हर केस में नहीं किया जाता क्योंकि यह एचपीएस सप्रेशन इससे सबसे ज्यादा होता है बाकियों के कंपेयर में। डॉक्टर पंकज जी मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर डीपी सिंह भी बीच में आए, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप बता रहे हो बहुत अहम है, प्रैक्टिकली कैसे हम इसमें यूज करते हैं प्रॉब्ली डॉक्टर डीपी सिंह इस मामले में थोड़ा सा अधिक प्रकाश डाल पाएंगे, वो हमारे लिए थोड़ा सा एक तड़के का काम करेगा इसमें। बहुत बढ़िया, तो डीपी सिंह सर से अनुरोध है कि आप प्रकट हो और जो बात हम लोगों ने कही अभी डिफरेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के यूजेस में, तो डेक्सामेथासोन के बारे में बात सर ये हो रही थी कि डेक्सामेथासोन सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको यूज कंपेरेटिवली कम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एचपीए सप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी जो आप लोग जो प्रयोग में लाते रहते हैं तो आपकी क्या धारणा है इसके प्रति? उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्यों ज्यादा यूज करते हैं रेदर डेक्सामेथासोन, ये सवाल हो जी। सबसे ये अधिक बात ये है कि जब कोविड का समय आया तो फर्स्ट वेव में तो हम लोगों ने स्टेरॉइड्स पर उतना महत्व नहीं दिया, बट इन द सेकेंड वेव इट कैम एज ए पनेशिया, एनीबॉडी इवन इन द रूरल एरियाज इवन द क्वैक्स एवरीबॉडी यूजिंग स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड एज इट इज ए पनेशिया ऑफ कोविड, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोविड एंड दैट हैज done the very much rather misuse of this steroid. But whatever data shows that most of the study they have used methylprednisolone rather than the dexamethasone. But there are many studies they show that dexamethasone is as good as this methylprednisolone. And so, and as the dose is once and the effectivity as you have shown is so good. So effectivity wise dexamethasone throughout the COVID era, I have used personally dexamethasone more so in 90% patients we have used dexamethasone. Although we have got this hypothalamopituitary adrenal axis suppression is there, but the effect wise, incidence wise, although there methylprednisolone has been used worldwide more commonly as compared to dexamethasone, but effectivity wise, it's very good. We may be comparable apart from this suppression. Yes. जी धन्यवाद सर, लेकिन बस प्रश्न यही आता है कि अब ये dexamethasone या HPS suppression इससे इतना ज्यादा होता है, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है कि HPS suppression एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और डॉक्टर डीपी सिंह का भी यही अनुभव है कि यह बहुत ही कारगर औषधि है और हम अपने कोविड के पेशेंट्स में अधिकांश में वो भी डेक्सामेथासोन यूज करते रहे, एचपीएस सप्रेशन ज्यादा होता है, तो इसका कारण क्या है? मैं फिर से इसका कोई अलग अलग क्वेश्चंस ना पूछ के इसमें ऑल्टरनेटिव ना देके, इसका प्रमुख कारण ये है कि डेक्सामेथासोन लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग आउट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अगर हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन का इफेक्ट 8 से 12 घंटे रहता है, अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग मिथाइल प्रेडनिसोन प्रेडनिसोन का इफेक्ट जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट है वो 12 टू 36 आवर्स रहता है, तो डेक्सामेथासोन का असर 36 टू 72 आवर्स तक बढ़ने के बाद जो ट्रेलिंग इफेक्ट है वो 3 दिनों तक बना रहता है। तो जब कोई भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इतने लंबे समय तक काम करता रहेगा तो वह एचपीए सप्रेशन वह सबसे ज्यादा करेगा, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के कारण से इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी बहुत ही प्रोनाउंस्ड होगा, लंबे समय तक रहेगा और एचपीए सप्रेशन भी इसका सबसे लंबे समय तक रहेगा। तो अब हमारे जो लंबे सप्रेशन से और इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या प्रभाव हो सकते हैं, विजय जी ये क्वेश्चन है जो हमारे डेलीगेट्स के लिए अब आप लॉन्च करेंगे कि आखिर दूसरे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जो जब हम यूज करते हैं तो हमारे सामने आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर हम कोविड में या किसी अन्य कंडीशन में दे रहे हैं तो फ्लूइड रिटेंशन करा सकते हैं जिससे बीपी बढ़ जाए, ग्लूकोज एलिवेशन, हाइपरग्लाइसीमिया कर दें, इम्यूनोमॉड्यूलेशन उनसे हो और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं,
पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, तो जो एक्यूट कई तरह के साइड इफेक्ट्स जो अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को 10-15 दिनों के लिए दें, तो इनमें से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो इनसे प्रोड्यूस हो सकते हैं इसके विषय में? हाँ, रिजल्ट डिस्प्ले कीजिए। अधिकांश लोग 93% कह रहे हैं कि इनमें से सभी यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। वह बीपी भी बढ़ाते हैं, वह ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाते हैं, वह इम्यूनो मॉड्यूलेशन इम्यूनो सप्रेशन भी करते हैं, उनसे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और हाइपर एसिडिटी से पेप्टिक अल्सरेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के शॉर्ट टर्म यूजेस के। लेकिन अब अगर बात हो कि फ्लूइड रिटेनिंग और बीपी रेजिंग इफेक्ट की, तो इनमें से सबसे ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन कौन करता है, सबसे ज्यादा बीपी एलिवेटिंग इफेक्ट इनमें से किस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का है जिसको देने पे फ्लूइड रिटेंशन और बीपी रेज सबसे ज्यादा होता है? विजय जी ये क्वेश्चन लॉन्च करें। तो इनमें से किस, हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी डेक्सामेथासोन की सबसे ज्यादा है, फ्लूइड रिटेनिंग प्रॉपर्टी किस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही जिस जो फ्लूइड रिटेन करेगा वही बीपी एलिवेशन कराएगा। तो वास्तव में चलिए रिजल्ट कहते हैं कि 34 1/3 लोग कह रहे हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, 1/3 कह रहे हैं डेक्सामेथासोन और बाकियों के विषय में मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। चलिए, तो वास्तव में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनमें थोड़ी सी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाइड्रोकॉर्टिसोन में होती है और थोड़ी बहुत प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन में होती है। तो अगर हम ये देखें तो जो लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स हैं डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, इन सब में सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी निल होती है, मैक्सिमम हाइड्रोकॉर्टिसोन और उससे कम प्रेडनिसोलोन और इन तीनों में सबसे कम मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो यह हमारी सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो शायद इन तीनों में सबसे कम सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी मिथाइल प्रेडनिसोलोन की होती है, इसलिए भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन थोड़ा सुपीरियर माना जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अतिरिक्त कुछ और जो रिस्क इनके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड लॉन्ग टर्म यूज के बाद भी होता है और कभी कभी कुछ केसेस में इडियोसिंक्रेटिक शॉर्ट टर्म यूज पे भी हो जाता है, कैटरेक्ट, ग्लॉकोमा और स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक देना पड़े तो हम जानते हैं मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग। तो मसल्स भी वीक होती हैं, बोन्स भी वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और लंबे समय के यूज के बाद एड्रिनल सेपरेशन, जिसके कारण से हम लोग कभी कभी चाह कर भी इनको जल्दी विथड्रॉ नहीं कर पाते। तो यह कुछ जानकारियां थी हम लोगों ने जो अभी डिस्कस की। डॉक्टर डीपी सिंह अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहें इन बेसिक जानकारियों के बाद स्टेरॉइड से संबंधित, तो हम लोग उसके आगे यूज आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डीपी सिंह प्लीज। वन ऑफ दिस डेलीगेट इज पुटिंग वन एडिशन दैट परहैप्स द मिथाइल प्रेडनिसोलोन हैज गॉट हायर कंसंट्रेशन इन कोविड देन एज कंपेयर टू दिस डेक्सामेथासोन। If you have any idea about the whether the concentration in the pulmonary circulation is more of that of methylprednisolone as compared to dexamethasone, although it has been shown that the oxygen need is reduced, so that is for the all the dexamethasone. Secondly, that dose should not be very high because the low dose and moderate dose is better than the high dose, because you have seen that the it does not save the mortality and other things. The recommendation is not to use the higher dose of steroids. So, any comment on this? ये pulmonary concentration के विषय में मुझे कोई भी idea नहीं कि इनमें से कौन सी steroid है जिसका alveolar या बाकी pulmonary circulation में कोई ज़्यादा difference होता हो। तो चलिए आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। We shall see that this is one good. New information that he has put. Okay, so over to you again. धन्यवाद सर। तो इसके बाद फिर हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बेसिक जानकारी के साथ कि मैक्सिमम एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी
डेक्सामेथासोन की होती है और वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है और वह एचपीए सेपरेशन सबसे ज्यादा करता है। सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा हाइड्रोकॉर्टिसोन की होती है जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है, और प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं और इनमें थोड़ी सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यह सभी जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं सभी एंटी इंसुलिन नेचर के होते हैं, सभी से कुछ ना कुछ डायबिटोजेनिक टेंडेंसी होती है, और जब स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया तब कहते हैं जब एबनॉर्मली एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज एसोसिएटेड विद यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यह दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो जो एग्रीवेट हो जाए, या ये नॉर्मल पर्सन हो जिसमें न्यू डायबिटीज सेट इन हो जाए, न्यू हाइपरग्लाइसीमिया। और क्राइटेरिया इसके वही हैं जो डायबिटीज के हैं, फास्टिंग मोर देन 126, पोस्टप्रांडियल मोर देन 200, एचबीएमसी मोर देन 6.5, और रैंडम ब्लड ग्लूकोज अलोंग विद एनी सिम्टम्स मोर देन 200। तो अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति में भी स्टेरॉइड यूजेस के दौरान ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हो तो हम उसको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, जैसे कि कोई भी किसी भी डायबिटीज के लिए हम कहते हैं। पहले ये देखा जा माना जाता था कि यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद अब स्टडीज हमारे पास ज़्यादा व्यापक है, शायद स्टेरॉइड के यूजेस भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण से अब हम देख रहे हैं रिसेंट मेटा एनालिसिस में कि इसकी इंसिडेंस प्रेवलेंस भी अच्छी खासी इन हॉस्पिटल जो केसेस में 33% 1/3 केसेस में स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है, और करीब करीब 18% में ये सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया जो कि बहुत लंबे समय तक बना है। सिंगल एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में जिसको स्टेरॉइड दी गई उसमें एक न एक वैल्यू क्रॉस करती हुई में दिखती है। तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया ये ट्रांजिएंट भी हो सकता है, ये परसिस्टेंट भी उसके बाद रह सकता है, और पुराने परसिस्टेंट में हो सकता है यह भी संभावना रहती है कि पुरानी डायबिटीज हो जो कि अब इसके कारण से फ्लेयर अप हो। तो मित्रों अब हम स्टेरॉइड किसी पेशेंट को हमें देना पड़ रहा है, हमारे पास अनेकों पेशेंट्स हैं, लेकिन स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया हर व्यक्ति में नहीं होता। तो अगर हम एक कुछ जानना चाहें कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें संभावना ज्यादा हो सकती है, विजय जी जरा पब्लिक से पूछिए ये दो ग्रुप्स हैं, इन दो ग्रुप्स में किसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया की संभावना ज्यादा होगी? एक में यंग पेशेंट है, एक में एडवांस एज का है, एक में थिन बिल्ड वाला है, एक में ओबीज है, एक में वेस्टर्न पॉपुलेशन है, एक में इंडियन पॉपुलेशन है, एक में फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दूसरे में है, एक में पुरानी इम्पेयर्ड फास्टिंग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की हिस्ट्री या मीडियम हिस्ट्री नहीं है, एक में है। तो इसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस किसमें ज्यादा होंगे? रिजल्ट्स डिस्प्ले करिए, और पब्लिक बिल्कुल सही सोच रही है कि कौन से लोग हैं जो एट रिस्क है, ग्रुप बी, यह जिसमें कि सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, एडवांस्ड एज, ओबेसिटी, इंडियन फिनोटाइप, प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ऐसे पेशेंट्स में अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं तो उनमें संभावना ज़्यादा है कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब इन्हीं पेशेंट्स में अगर हम इनको हम बाइफरकेट करें, एक को हम लोअर डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर रहे हैं, एक में हम हायर डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर रहे हैं, तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है, इसमें क्या पूछना, चलिए इसको भी स्किप कर देते हैं। एक जिसमें लोअर डोजेज हैं और जिसमें हायर डोजेज हैं, इसमें संभावना किसमें ज़्यादा होगी? विजय जी ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें हायर डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज होंगे उसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया भी ज़्यादा ही होगा। तो कुछ पेशेंट्स हैं जो एट रिस्क होते हैं और दूसरा जिनमें हायर डोजेस यूज हो रही है उसमें ये संभावना ज़्यादा होती है। तो विशेष तौर पर ये डोजेज आप याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति में हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन 50 मिलीग्राम, प्रेडनिसोलोन 20 मिलीग्राम, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 मिलीग्राम या डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम, इससे ऊपर जब हम यूज करते हैं तब संभावना स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया की बढ़ जाती है। तो इससे ऊपर जिस भी व्यक्ति में हम दे रहे हैं तो वहां पे हमें विजिलेंस ज्यादा रखनी है,
कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब आया इतनी देर के बाद हमारा एक मूल विषय कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें किस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये चार हम आपको एक कंडीशंस दिखा रहे हैं, इनमें से आप किसको कहेंगे कि ये पेशेंट है, मतलब अगर किसी को स्टेरॉइड किसी को दिया गया तो उसमें फास्टिंग 91 पीपी 216 इस रेंज का हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, या फास्टिंग 116 पीपी 159 इस तरह का मिलेगा, या फास्टिंग 148 पीपी 159 इस तरह का मिलेगा, या फास्टिंग भी एलिवेटेड पीपी भी एलिवेटेड इस तरह का मिलेगा। विजय जी प्रश्न पूछिए जरा पब्लिक से, इसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया का पैटर्न क्या होता है। मतलब यहाँ पे मैं जानना ये चाहता हूँ विशेष रूप से कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया किस प्रकार का होता है, माइल्ड होता है या सीवियर होता है, फास्टिंग होता है या पोस्टप्रांडियल होता है, ये किस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया है जो स्टेरॉइड से प्रोड्यूस होता है। ओके रिजल्ट्स डिस्प्ले कीजिए। तो अधिकांश दो तिहाई लोगों का कहना है फोर्थ ऑप्शन 148 और 216 इस प्रकार का, और कुछ लोगों का कहना है फर्स्ट वाला जिसमें फास्टिंग नॉर्मल है और बीपी एलिवेटेड। चलिए आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में ये जो दोनों ही ग्रुप है जो जिसपे सबसे ज्यादा आंसर दिए गए दोनों ही सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया की कि यह प्रीडोमिनेंटली पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न करता है। तो बाकी दोनों ऑल्टरनेटिव अगर हम देखें उसमें एक में तो माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया था, एक में सी में प्रीडोमिनेंटली फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया था। तो या तो फास्टिंग नॉर्मल होगा केवल पोस्टप्रांडियल एलिवेटेड होगा, या फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल दोनों एलिवेटेड होंगे। पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना ऑफ स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब एक पैटर्न और भी आता है, चलिए यह भी जान लेते हैं। एक पेशेंट है जिसकी फास्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है और पीपी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, दूसरा पेशेंट है जिसकी फास्टिंग भी डबल और पीपी भी ऑलमोस्ट डबल है, यह है। और हमारे पास दो प्रकार के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक है प्रेडनिसोलोन एक है डेक्सामेथासोन। अब अगर हम ये कहें कि क्या इसमें भी आप बता सकते हैं कि डेक्सामेथासोन से पहला वाला होगा या डेक्सामेथासोन से दूसरा वाला होगा, प्रेडनिसोलोन से पहला वाला केस ज्यादा प्रोमिनेंट होगा या दूसरा वाला होगा, मतलब अलग अलग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी क्या अलग अलग प्रकार का हो सकता है। विजय जी प्रश्न पूछिए डिस्प्ले करिए कि इनमें से अगर नीचे ए और बी देखें तो कौन सा मैच ज्यादा सही है, 216 और 311 डेक्सामेथासोन से होता हुआ, या 216 311 प्रेडनिसोलोन से होता हुआ। देखिए ये इसी के आधार पे हम इनको बाद में ट्रीट करेंगे ना, किस किस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं और उसमें किस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। तो 60% लोग पहले वाले पे ऑप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि फास्टिंग और पीपी दोनों हाइपरग्लाइसीमिया डेक्सामेथासोन से, और फास्टिंग नॉर्मल और पीपी हाइपरग्लाइसीमिया प्रेडनिसोलोन से। और अगर हम देखें तो यही एक सही उत्तर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि डेक्सामेथासोन हमारा फास्टिंग और पीपी दोनों को अफेक्ट कर रहा है, जबकि प्रेडनिसोलोन प्रिडोमिनेंटली फास्टिंग को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं और इनका इफेक्ट तो रहता है 12 to 36 hours, लेकिन हाइपरग्लाइसेमिक पोटेंसी इनकी लगभग 12 से 16 घंटे तक रहती है। इसके विपरीत जो डेक्सामेथासोन है ये 36 टू 72 आवर्स तक रहता है और इसकी हाइपरग्लाइसेमिक पोटेंसी भी एक दिन से ज़्यादा रहती है। यदि हमने आज डेक्सामेथासोन यूज़ किया तो इससे उत्पन्न होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रहेगा। आज हमने मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन यूज़ किया तो उससे उत्पन्न होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया एक दिन तक नहीं रहेगा, कम समय तक रहेगा 12 से 16 घंटे। इसके कारण से फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया मिथाइल प्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोलोन से कम होता है, पोस्टप्रांडियल ज़्यादा होता है,
जबकि डेक्सामेथासोन से क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है, इसलिए इससे ज्यादा होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी फास्टिंग और पीपी दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन एक पेशेंट को हम प्रेडनिसोलोन नहीं दे रहे और हमने देखा उसका ग्लूकोज लेवल 216 और 311 आया, हम कह रहे हैं कि हम प्रेडनिसोलोन ही दे रहे हैं उसको। ऐसा क्या हुआ होगा कि प्रेडनिसोलोन से इतना प्रोनाउंस हाइपरग्लाइसीमिया हुआ? क्या जो 20 मिलीग्राम की डोज है उसको हमने एक्सीड किया? 20 मिलीग्राम सुबह दिया इसलिए ऐसा हुआ, 20 मिलीग्राम शाम को दिया इसलिए ऐसा हुआ, या 10 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे दिया इसलिए ऐसा हुआ, या प्रेडनिसोलोन से इस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया हो ही नहीं सकता? विजय जी पूछिए, जरा डिस्प्ले करिए क्वेश्चन और ऑप्शंस और देखें पब्लिक क्या कहती है कि प्रेडनिसोलोन से क्या इस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैसे, नहीं मिल सकता तो फोर्थ ऑप्शन क्या ही है। बहुत बढ़िया, रिजल्ट डिस्प्ले करिए। अधिकांश लोगों का कहना है कि अगर हम रात में प्रेडनिसोलोन देते हैं 20 मिलीग्राम्स तो उससे हमारी ये टेंडेंसी मिल सकती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम रात में देंगे तो उससे हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ाने की टेंडेंसी होगी। लेकिन पीपी हाइपरग्लाइसीमिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 311। तो अगर इन तीनों ऑप्शन में कहा जाए तो ये तो आप जानते हैं कि अगर हम ओडी डोजेज में दे रहे हैं तो यूजली हम लोग नाइट डोज नहीं देते, अगर हम ओडी डोज दे रहे हैं तो हम मॉर्निंग डोज ही देते हैं। तो यह करेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा होगी, हम 10 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे अगर देंगे तो उसमें हमारा एक्शन बियॉन्ड 24 आवर्स चलता रहेगा, और बियॉन्ड 24 आवर्स एक्शन चलने से हमारा फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल दोनों प्रकार के हाइपरग्लाइसीमिया इससे उत्पन्न होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने यह डिस्कस करने का प्रयास किया कि स्टेरॉयड देने से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसके पैटर्न प्रेडोमिनेंटली पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया के होते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन है उससे शॉर्ट ड्यूरेशन का हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रेडनिसोलोन मेथाइल प्रेडनिसोलोन है उनसे इंटरमीडिएट ड्यूरेशन का हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और जो बीटा जो डेक्सामेथासोन बीटा मेथासोन है जो लॉन्ग एक्टिंग है उनसे लॉन्ग ड्यूरेशन का हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो अब जब हम तीनों प्रकार के जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उनसे हाइपरग्लाइसीमिया भी अलग अलग प्रकार का हो रहा है, तो इसी आधार पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करें। डॉक्टर डीपी सिंह, आपसे आग्रह है कि इस विषय में और प्रकाश डालना चाहे तो उससे हम लोग को लाभान्वित कराएं, जिससे कि हम लोग अब आगे मूल विषय पे, अभी तक तो रूपरेखा थी, अब हम लोग इसके आगे मूल विषय पे आ पाए कि इस हाइपरग्लाइसीमिया को हम लोग ट्रीट किस प्रकार से करते हैं। आपके विशेष सबसे तो पहले फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय को मैंने सोचा कि बहुत छोटा विषय है कि स्टेरॉइड विल कॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस हाइपरग्लाइसीमिया और इवन दिस डायबिटीज कॉज्ड बाय दिस स्टेरॉइड इज ए ट्रांजिएंट वन ट्रांजिएंट फिनोमेना, सो इट विल टेक द ट्रांजिएंट टाइम लेसर टाइम इन डिस्कशन ऑल्सो, बट हियर आई सी that lot of information even in the different varieties of steroids depending upon the duration of actions, depending upon that we have got the longer period or shorter periods of hyperglycemia. Simply this steroids act upon the liver, causes this gluconeogenesis, raises the blood sugar, and peripheral utilization of glucose is less, and that's why causing hyperglycemia. That is the mechanism that we talk about in steroid induced hyperglycemia. But the different varieties, different molecules, by the pattern of this, whether it causes the fasting or the postprandial hyperglycemia, we can diagnose which molecule the patient is taking, which molecule the doctor has prescribed. It's a wonderful information that you have given. Thank you very much. धन्यवाद सर। तो मित्रों आइए फिर हम लोग मूल विषय पे अब लौटते हैं, इसके बाद कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया, स्टेरॉइड्स से किस प्रकार हाइपरग्लाइसीमिया होता है ये डिस्कस किया, और अब हम लोग इसको मैनेज किस प्रकार से करें।
तो इनमें हम अब आपके सामने कुछ केसेस रख रहे हैं और हम लोग अपने हर केस को, हर मॉड्यूल को यहीं से स्टार्ट करते थे कि हम आपके सामने क्लिनिकल क्वेरीज रखते थे, लेकिन स्टेरॉइड्स के केसेस में ये रूपरेखा बनानी आवश्यक थी, जिसके कारण से हम लोगों ने इतना अभी प्रारंभिक समय दिया। चलिए, तो हमारा जो पहला केस है, ये रमेश जी जब हमारे पास आए तो इनको अक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस थी, इनको आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में एडमिट हुए, एक्यूट ब्रेथलेसनेस थी, हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम का डोज दिया। जब हमने इनकी ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया 312। अब इनको आप कौन सी इंसुलिन से ट्रीट करना पसंद करेंगे, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, डेटामिर, ग्लार्जिन या डिक्लोटेक? तो रमेश जी एक्यूट ब्रेथलेसनेस के साथ आए, आईसीयू में रखे गए, हाइड्रोकॉर्टिसोन इनको दिया गया, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। अब हमारी बारी है इनको ट्रीट करने की। तो जो हमारा इंसुलिन वर्कशॉप थी उसका आरंभ तो अब हुआ, अभी तक तो रूपरेखा थी। पेशेंट आपके सम्मुख है और कौन से इंसुलिन आप इनको देंगे, यह है प्रश्न आपसे। और काफी तो रूपरेखा बना ही दी थी, थोड़ा हमने उस चीज को पहले लीक भी कर दिया था, और प्लस पांचवा मॉड्यूल है, ये एक्सपेक्टेड भी है कि हमारी जो जनता है वह अब इसके प्रति एक बढ़िया डिसीजन लेगी। और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने इसका उत्तर दिया है, 70% लोग कहते हैं कि हम रेगुलर इंसुलिन इनको देंगे रमेश जी को, जिससे कि हम इनके हाइपरग्लाइसीमिया को उचित प्रकार से मैनेज कर सकें। बहुत बढ़िया, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और उसके पहले एक सुरेश जी भी आ गए, साथ साथ ही आ गए ये लोग, सिमिलर प्रेजेंटेशन, 4 दिन से निमोनिया है इनको, उतने सीरियस नहीं थे तो इनको वार्ड में रखा गया। इनको मेथिलप्रेडनिसोलोन दी गई 16 मिलीग्राम वंस अ डे, लेकिन इनकी भी ग्लूकोज टेस्ट की गई तो इनको भी 312 मिलीग्राम परसेंट निकली। अब इनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये थोड़ा कम सीरियस है, इनको वार्ड में रखा गया, इनको मेथिलप्रेडनिसोलोन दी गई, ग्लूकोज लेवल इनका भी 312 है। विजय जी पूछिए, पब्लिक क्या कहती है कि इनके ट्रीटमेंट को हम लोग रमेश जी से भिन्न रखेंगे या रमेश जी को जैसे ट्रीट किया वैसे ही इनको भी ट्रीट करेंगे? तो पब्लिक की ओपिनियन क्या है, क्या इस केस में हमारी अप्रोच सेम होनी चाहिए या हमारी अप्रोच कुछ इसमें अलग हो? बहुत बढ़िया, चलिए। तो इसमें हमारे 50% लोग कहते हैं रेगुलर इंसुलिन, 25% कह रहे हैं एनपीएच और लगभग 20% कह रहे हैं ग्लार्जिन। तो थोड़ा सा ओपिनियन और थोड़ा सा मैनेजमेंट इस केस में पहले केस से भिन्न हुआ। क्यों भिन्न हुआ, क्योंकि पेशेंट का प्रेजेंटेशन अलग है, वह पेशेंट आईसीयू में था या पेशेंट वार्ड में है, ने? तो चलिए उसके अनुसार इन्होंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखा गया। ओके, आइए तीसरे भी, दिनेश जी भी आ गए, अरे वाह, रमेश जी, सुरेश जी और दिनेश जी। चलिए, तो दिनेश जी हमारे आए हैं, इनको भी 4 दिन से निमोनिया है, इनको भी वार्ड में रखा गया, इनको एक शॉट इंट्रावेनसली डेक्सामेथासोन का दिया गया और इनकी भी ग्लूकोज लेवल 312 में। अब ये जो तीसरा पेशेंट है हमारे सामने कोविड निमोनिया ऑन स्टेरॉइड, इसको हम लोग किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, जरा ऑल्टरनेटिव रखिए विजय जी, कि इनको हम सेम स्ट्रेटजी रखनी है या कुछ इसमें डिफरेंस रखना है, रेगुलर, एनपीएच, डेटामिर, लार्जिन या डिग्लोटेक, क्या इसमें हमारी स्ट्रेटजी कुछ अलग होनी है? बहुत बढ़िया, तो हमारे 50% लोग कह रहे हैं रेगुलर इंसुलिन देंगे, बहुत सही। और सेकंड लार्ज ग्रुप है ग्लार्जिन का, 27%, लगभग सिमिलर रिस्पॉन्स जो पहले वाले केस में था वही हमारी पब्लिक इसमें भी करना चाहती है, अधिकांश लोग रेगुलर के और कुछ लोग ग्लार्जिन के फेवर में। ठीक है, तो आइए मित्रों हम लोग इनको डिस्कस करते हैं कि इन तीनों केसेस को किस प्रकार से डील किया जाए। देखिए डिफरेंस क्या हुआ, हमारा केस वन बहुत सीरियस था और उसको आईसीयू में रखा था, उसको हम लोगों ने इंसुलिन कौन सी दी,
स्टेरॉइड दिया हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि हम लोग अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि वो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेकेंड केस कम सीरियस था, उसको वार्ड में रखा गया और वार्ड में रखने के बाद साथ हमने मिथाइल प्रेडनिसोलोन उसको ओरली दिया और उसके बाद उसको वार्ड में है, रिलेटिवली कम सीरियस है, ओरली अलाउड होगा, तो हमने इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड उसको दिया। और जो थर्ड केस था उसको हमने इंट्रावेनसली डेक्सामेथासोन दिया, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो तीनों केसेस में जो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज किया, ये डिफरेंट किया, जिनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे। इनसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इनसे उत्पन्न होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, तो हमारी स्ट्रेटजी भी अलग प्रकार की है। जब हम शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम दे रहे हैं किसी को, तो ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है इसको, ये तो हम लोग आईसीयू में काफी यूज होता है, लेकिन यह हाइड्रोकॉर्टिसोन ये कई बार हम लोगों के केस में एंडोक्रिनोलॉजी में ये एज आउट पेशेंट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हमें इसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में यूज करते हैं, स्पेशली जहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी है, वहां पे यूज करते हैं। तो वहां पे लो डोजेस में, और वहां तो वो लाइफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, वहां पे उसका हाइपरग्लाइसेमिक रिस्पांस कुछ खास नहीं होता, लेकिन आईसीयू में जहां पे फार्माकोलॉजिकल डोज में यूज होता है, एक्यूटली इल पेशेंट में होता है, वहां पे इसका रिस्पांस बहुत अलग किस्म का होता है। देखिए, यह क्रक्स है आज के हमारे डिस्कशन का, इस कर्व को अवश्य याद रखिए, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है और यहीं से हमारी डिसीजन मेकिंग इसके आगे जितनी भी है वो आरंभ होगी। हाइड्रोकॉर्टिसोन जब हम देते हैं तो ये शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने के एक घंटे के अंदर उससे हाइपरग्लाइसीमिया आरंभ हो जाता है, 3 घंटे में पीक करके 6-7 घंटे में हाइपरग्लाइसीमिया समाप्त होने लग जाता है। तो अगर हम पहला कर्व देखें, तो अगर किसी पेशेंट को हमने एक बार हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया तो इससे इस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और यही कर्व अगर आप ध्यान दें, जो हम लोग 4 मॉड्यूल से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, यही कर्व हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो हाइड्रोकॉर्टिसोन से हो रहा है, वह बिल्कुल उसी प्रकार से उसका कर्व बन रहा है जिस प्रकार से हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का बनता है। तो इस प्रकार अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं तो वह उसके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैच करती है। अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन एक बार दे रहे हैं तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक बार दे दी उसी के साथ, अगर हम इसको 2 बार दे रहे हैं तो दोनों टाइम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे दी, अगर हमने 3 बार हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया तो 3 टाइम हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इसके साथ साथ ही प्रयोग की, और ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को बिल्कुल कोइंसाइड करते हुए सबसे अच्छी तरह से मैच कर सकते हैं। तो यह एक अनुमान है जिसके आधार पे, एक साइंटिफिक बेसिस है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति में हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जा रहा है और उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो सबसे बढ़िया फिजियोलॉजिकल जो उसके लिए इंसुलिन है वह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसके विपरीत यदि हम प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो कि ओपीडीज में भी खूब यूज की जाती हैं और वार्ड में भी खूब यूज की जाती हैं, इनकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी अच्छी खासी है, एंटी इंफ्लेमेटरी या इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है और थोड़ा सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि प्रेडनिसोलोन से मिथाइल प्रेडनिसोलोन की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ज्यादा है और सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी कम है। डोजेस आप देख सकते हैं, लगभग 80% प्रेडनिसोलोन की 80% डोज होती है मिथाइल प्रेडनिसोलोन की, ये इनकी इक्विवेलेंट डोजेस है। और जो हमारी 20 मिलीग्राम प्लस प्रेडनिसोलोन या 16 मिलीग्राम प्लस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये वो डोज है जो हाइपरग्लाइसीमिया सबसे ज्यादा करती है। तो जब भी हम प्रेडनिसोलोन 20 मिलीग्राम या मिथाइल प्रेडनिसोलोन 60 मिलीग्राम से ज्यादा यूज कर रहे हैं तब हमें इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि उससे हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं होगा और हमें उसको ट्रीट करना है। अब इससे किस प्रकार का हाइपरग्लाइसीमिया होता है, देखिए फर्स्ट कर तो है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन का। हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारा लगभग 6-8 घंटे का हाइपरग्लाइसीमिया करती है इस क्रम में, लेकिन प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन
प्रेडनिसोलोन से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया देखिए सेकेंड कर्व जैसा धीरे धीरे आरंभ होता है, 4 घंटे में इसकी पीक आती है और 8 घंटे से कभी कभी 12 घंटे तक यह डेवलप होता रहता है। और फिर मित्रों याद करो जो हम लोग ने पहले सेशंस में जो प्रोफाइल एनपीएच का हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी बार कि वह 2 घंटे में इफेक्ट शुरू करता है, 4 से 6 घंटे में उसका पीक असर रहता है, 8 घंटे के बाद कम होते होते वह 8-12 घंटे तक उसका इफेक्ट 14 घंटे तक बना रहता है, तो उसी प्रकार से प्रेडनिसोलोन का जो प्रोफाइल है ये एनपीएच के प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा मैच करता है। तो अगर हम एक बार मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो कर्व इस प्रकार का होता है, और अगर हम उसको 2 बार दे रहे हैं तो दोनों अपने बाद में मिलते हुए इस प्रकार का होता है। अगर हमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन देते हुए हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो वह हाइपरग्लाइसीमिया हमारा इस पैटर्न का हो सकता है ओडी डोज में या डीडी डोज में। तो बेस्ट थ्योरेटिकली जो बेस्ट इसके लिए डोज है वो है एनपीएच या डेटामिन जो उसका हम पे काउंटर करने के लिए, लेकिन अगर हम बीडी डोज में दे रहे हैं तो हम डार्जिन भी यूज कर सकते हैं या दोनों टाइम प्रीमिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम दोनों डोजेस देंगे तो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया भी काफी प्रोनाउंस हो जाएगा। तब केवल एनपीएच पे रखने की जगह है, हम पेशेंट को प्रीमिक्स इंसुलिन 30-70 या 25-75 वाली वह भी दे सकते हैं। और तीसरा ऑल्टरनेटिव अगर हम कहें कि बेजल बोलस थेरेपी देना, तो अगर हम ट्वाइस अ डे हम प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो हमारा प्रीमिक्स बेजल बोलस ये सभी वैलिड ऑप्शंस हैं, और वंस अ डे देने पे एनपीएच या डेटामिन यह हमारा काफी इफेक्टिव इसमें हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग डेक्सामेथासोन है, सबसे पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती नहीं है इसके अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसका अपना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो मोर देन 24 आवर होता ही होता है, लेकिन इससे होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी मोर देन 24 आवर्स चलता है। तो डेक्सामेथासोन जब हम देते हैं तो ये पहला कर्व अगर आप ध्यान रखें हाइड्रोकॉर्टिसोन का, सेकेंड कर्व ध्यान रखें प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, तो जो तीसरा कर्व है यह है डेक्सामेथासोन का। डेक्सामेथासोन देने के बाद हमारा 8 घंटे के बाद लगभग हाइपरग्लाइसीमिया शुरू होता है और यह 1 से 1.5 दिन तक हाइपरग्लाइसीमिया चलता रहता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी है कि इसको मैच करती हुई ग्लार्जिन टाइप की इंसुलिन दें या ट्वाइस डेली एनपीएच डेटामिन दें या सीधे सीधे जैसे हम लोगों ने ट्वाइस डेली प्रेडनिसोलोन के साथ कहा कि प्रीमिक्स या बेजल बोलस दे सकते हैं, इसके साथ भी प्रीमिक्स या बेजल बोलस दे सकते हैं। तो डेक्सामेथासोन से उत्पन्न होने वाले हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हमारे पास जो कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, या तो वंस अ डे ग्लार्जिन या ट्वाइस अ डे इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन या प्रीमिक्स या बेजल बोलस, यह सभी इसमें वैलिड। तो एक बार अगर हम इनको रिवाइज कर लें, रमेश जी के लिए पूछा गया हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया था, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर हम एक ही डोज दिया, अगर हम मल्टीपल डोजेज दे रहे हैं तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी मल्टीपल डोजेज में दें। याद रहे ये पेशेंट कहाँ आईसीयू में थे, यहाँ पे अप्रोच अलग होगी। सुरेश जी और दिनेश जी ये दोनों रखे गए हमारे वार्ड में, इसका मतलब उतने सीरियस नहीं थे। जिनको मिथाइल प्रेडनिसोलोन दी उनके लिए ऑप्शन बेटर था इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और जिनको डेक्सामेथासोन दिया उनके लिए ऑप्शन बेटर था ट्वाइस डेली इंटरमीडिएट एक्टिंग या वंस अ डे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो यह हमने अभी तक पढ़ा कि किस किस केस में हमारी चॉइस इंसुलिन ऑफ चॉइस क्या होगी। अब दूसरा प्रश्न जैसे कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ओके रमेश जी हाइड्रोकॉर्टिसोन ले रहे थे, इनके लिए हमने रेगुलर इंसुलिन सेलेक्ट की, रेगुलर इंसुलिन कैसे देंगे, कितनी देंगे, किस प्रकार से देंगे। विजय जी जनता से पूछिए कि लोग क्या चाहते हैं कि इनको अगर हमें देना है रेगुलर इंसुलिन तो हम किस डोज से आरंभ करें, 0.1 यूनिट पर केजी, 0.15 यूनिट पर केजी, 0.2, 0.25 या 0.3। बहुत बढ़िया, तो हमारे अधिकांश लोग कहते हैं 0.1 यूनिट पर केजी। अच्छा 0.15, 0.25 के
ज्यादा सपोर्टर्स नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट टू, नेक्स्ट है पॉइंट थ्री। चलिए, तो अधिकांश लोग कह रहे हैं पॉइंट वन यूनिट पर के जी, ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग देखिए अभी तक इंसुलिन के विषय में एक जनरल रूल ऑफ थंब जो शुरू से जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। हालांकि हम जो अभी तक केसेस जिनको डिस्कस कर रहे थे वो ओपीडी केसेस थे, वो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया मैनेजमेंट के लिए आए थे, हमारे पास समय था। आज हम लोग जिन केसेस को डील कर रहे हैं वो इल पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट्स हैं, किसी और फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम के साथ आए हैं। उनमें हमें बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो सकते, हमें थोड़ा एग्रेसिव होना है, थोड़ा फास्ट भी चलना है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन हमारे लिए प्रॉब्लम वाला भी हो सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया को डील कर रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो शायद आरंभ में तो हम इनके लिए भी वही पॉलिसी रखें पॉइंट वन यूनिट पर के जी बॉडी वेट की, बाद में सब्जेक्ट टू रिवीजन और सब्जेक्ट टू करेक्शन यहाँ पे ये फैक्टर जरूर लाना है। क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टाइम तो हम इनको 0.1 यूनिट पर केजी, मतलब अगर 60 केजी वेट है 6 यूनिट ही इंसुलिन देते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में हमारे पंकज चौधरी साहब ने बहुत अच्छा एक हम लोगों को इनपुट दिया था कि जो हम लोगों की प्लानिंग इंसुलिन की है उनके साथ उनकी बोलस कैसे डिसाइड करें डोज और करेक्शनल डोज कैसे डिसाइड करें। करेक्शनल डोज हम पहले से ही रिज्यूम करते हुए कि इस समय हमारे पेशेंट की ग्लूकोज लेवल क्या है, उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या देना है, और बाकी डोज बाद में खाना कितना खाएगा उसके अनुसार बोलस डोज हो गई, और बाद में कितना हाइपरग्लाइसीमिया प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से डोज बोलस की होगी। तो करेक्शनल डोज इस बात पर निर्भर करती है कि अभी की ग्लूकोज वैल्यू क्या। तो यदि हमारा यही व्यक्ति जिसको हम लोगों को अभी स्टार्ट करना है 6 यूनिट पर के जी 6 यूनिट इंसुलिन से, यदि इस वक्त उनकी ग्लूकोज पहले से ही ग्लूकोज लेवल 200 प्लस होता, तो इस 200 के लिए हम इसमें करेक्शनल डोज 2 यूनिट और जोड़ दें, इनको 6-2-8 यूनिट दें। अगर अभी और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया है 300 प्लस है तो उसमें 4 यूनिट जोड़ के 6 और 4 10 यूनिट दें। तो फर्स्ट टाइम हम ये इनको अभी 0.1 यूनिट पर केजी से ही हम इनकी डोजेस को डिसाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट पहले से हाइपरग्लाइसीमिया में है तो थोड़ा करेक्शनल डोज उसमें और ऐड करके और वह यूनिट हम देंगे। और अगर ट्वाइस अ डे हम इनको दे रहे हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, तब हम इंसुलिन को भी ट्वाइस अ डे कर देंगे। अगर थ्राइस अ डे कर रहे हैं तो हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की डोजेस को भी थ्राइस अ डे कर देंगे। तो टू बिगिन विद हम लोग स्मॉलर डोज से ही शुरू करते हैं, लेकिन करेक्शनल फैक्टर हमें बहुत ध्यान रखना है अपने सीरियसली इल पेशेंट्स के लिए। और यही चीज डॉक्टर पंकज चौधरी ने पिछले सेशन में डिस्कस की थी कि बेसल इंसुलिन, न्यूट्रिशनल इंसुलिन या प्रांडियल बोलस इंसुलिन और करेक्शनल इंसुलिन, ये तीन को मिला के हमें डिसाइड करना है कि हम इंसुलिन की डोज कितनी देंगे। हाइड्रोकॉर्टिसोन देते समय हम उनको एक तो शॉर्ट दे रहे हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन के लिए, एक करेक्शनल डोज दे रहे हैं, और अगर हम इनको बेसल बोलस देते तो हम इसमें एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और इसकी भी जोड़ देते। चलिए, तो सेकंड केस पे चलते हैं अपने। सुरेश जी जो आए थे, जो वार्ड में रखे गए थे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले रहे थे, हम लोगों ने सोचा था हम इनको एनपीएच देंगे जो कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन की प्रोफाइल से सबसे अच्छा मैच करती है। इनको आप कैसे आरंभ करेंगे, इनको इंसुलिन किस प्रकार से और कितनी डोजेज में देंगे? विजय जी, जनता से पूछिए कि अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन किससे और एनपीएच देने के लिए पेशेंट्स को मैं पब्लिक तैयार हो रही है तो इसको कितनी डोजेस से आरंभ करना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम इनकी डोज सिलेक्शन कैसे करेंगे? और यह प्रश्न का उत्तर लेने के बाद हम डॉक्टर डीपी सिंह से इसमें और विचार लेना चाहेंगे, उनके सुझाव कि क्या इनके लिए, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी एक ऑल्टरनेटिव एब्सोल्यूट नहीं होता, एक ही कार्य अनेक प्रकारों से किया जा सकता है। तो डॉक्टर डीपी सिंह से आग्रह करेंगे कि इसके विषय में थोड़ा वो और अपने अनुभवों से प्रकाश डालें। तो ये पेशेंट जो वार्ड में रखे गए हैं
और जिनको मिथाइल प्रेडनिसोलोन दी गई, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के लिए हमने एनपीएच सेलेक्ट किया। एनपीएच कितना दें, अधिकांश लोग कह रहे हैं 0.1 यूनिट पर केजी से आरंभ करें, कुछ लोग कह रहे हैं 0.2 यूनिट से, कुछ इन बिटवीन। चलिए बात फिर से हम लोग उसी बात को रिवाइज कर लें कि इंसुलिन के साथ जो रूल ऑफ थंब है, स्टार्ट लो एंड गो स्लो, थोड़ा मॉडिफिकेशन यहाँ पे, सिक पेशेंट है हमको बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलना, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना है, और हमको थोड़ा अपने ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी जल्दी इंटेंसीफाई करते रहना। तो जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग समय पे, जो सजेशंस हैं वो क्या है कि डिपेंड करता है हम कितनी डोजेस यूज कर रहे हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एक बार में 50 या 100 मिलीग्राम ही यूज़ की जाती है, यूजली उससे ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, इसलिए वहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूल बनाया गया 0.1 यूनिट पर केजी, और अधिकांश केसेस में करेक्शनल डोज लेके वो सूट कर जाता है। लेकिन प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन तो आप लोगों ने स्वयं देखा है कि वह कितनी वेरिएबल डोजेस हो सकती है, तो उन वेरिएबल डोजेस के अनुसार हमें इंसुलिन की डोजेस को भी वेरी करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा अगर हम प्रेडनिसोलोन की डोज देखें तो प्रेडनिसोलोन की डोज का हम 1/100 कर दें, और उसके अनुसार 10 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन है तो 0.1 यूनिट पर केजी, 20 मिलीग्राम है तो 0.2, 30 मिलीग्राम है तो 0.3, 40 मिलीग्राम है तो आप कहेंगे जो आप अभी तक चार मॉड्यूल से ये कह रहे हो कि एक साथ हैवी डोज नहीं देंगे, आप स्वयं यहाँ पे आज अपनी बात को गलत कर रहे हो कि 0.4 यूनिट पर केजी इतना लगा देंगे एक साथ 24 यूनिट। क्योंकि फिर मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि हम क्यों हाई डोज यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को साथ साथ दो कंडीशन है, एक डिजीज जो हाइपरग्लाइसीमिया करा रही है एंटी इंसुलिन है, और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है और इंसुलिन का इफेक्ट कम कर रहा है। तो जो पेशेंट्स में डिजीज इंड्यूज हाइपरग्लाइसीमिया भी होने के चांसेस हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूज हाइपरग्लाइसीमिया भी होने के चांसेस हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इन पेशेंट्स में हमें हायर डोजेस की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी यदि पेशेंट एल्डरली है मोर देन 70 ईयर्स का, यदि पेशेंट में हिपेटोरिनल कॉम्प्रोमाइज है, उस केस में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग हायर डोजेस नहीं करेंगे यूज़, उनमें हम लोअर डोजेस करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट में लीन एंड थिन है, फ्रेल है, बहुत एल्डरली है, रीनल डिसऑर्डर है, हेपेटिक डिसऑर्डर है, इनमें हम लोग लोअर डोजेस यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमारा प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन पेशेंट ले रहा है तो जितनी डोज ले रहा है उसके अनुसार हम इंसुलिन की डोजेस को डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर डीपी सिंह आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी The first thing that you have rightly pointed out that depending upon the dose of these steroids, the blood sugar level will be also higher. And so it's always better to start with a lower dose because you know that insulin is a sharp tulwar. If you increase the dose, it will cause a hypoglycemia. So it is always better, always be cautious, be slow, especially in initiating the dose. Secondly, we know that prednisolone or any other steroids that will cause the transient hyperglycemia. This hyperglycemia is not going to sustain. Once we withdraw it within 48 hours or one day or 2 days more, within 2 days, this hyperglycemia is going to subside. So we have to be cautious, we have to be slow. That is one thing. Second thing is that we deal with the many cases, because I'm a respiratory physician, many cases where we get the patients of diabetes mellitus developing first time during the treatment of this tuberculosis, and the patients of tuberculosis having the diabetes patients. In that, what we teach that if the patient is well controlled and blood sugar level is not higher, we continue the oral hypoglycemic drugs. But there are a lot of interaction with the anti-tuberculosis drugs and others. So there,
there also, but the level of insulin that we watch, that if it is this HbA1c is more than 10, yes, there is no chance you have to use insulin. So that's taking the stimuli from that case also. Here also, if this steroid is again causing the short transient hypoglycemia, so whether is there any chance, just I ask again the few questions, whether if it is less than 10 HbA1c, whether we can use the oral hypoglycemia? Over to you. क्या बात है सर, आपने स्वयं एक क्वेरी रखी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना चाहूंगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर हैं। तो अगर इस चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे तो क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाएगा। तो कृपया मुझे समय दीजिए, 5-10 मिनट बाद हम लोग इसी बात पे आते हैं कि क्या हम इन पेशेंट्स को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स से, या जिसके लिए बेहतर टर्म है ओरल एंटी डायबिटिक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो तीसरे केस पे हम लोग आते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया को डील किया, प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया को डील किया। अब जो तीसरा केस है जिसमें दिनेश जी, जिनको कि डेक्सामेथासोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, डेक्सामेथासोन जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, हम लोगों ने बात की किया, तो इसके लिए हम लोग एनपीएच ग्लार्जिन इनको यूज करेंगे, या हम लोग ट्वाइस डेली प्रीमिक्स एनालॉग को भी या बेजल बोलस को भी यूज कर सकते हैं। इनको आप कितनी डोजेस से आरंभ करना चाहेंगे? विजय जी, ऑल्टरनेटिव्स रखिए सामने कि हमको एनपीएच या ग्लार्जिन देनी है, हम कितनी डोजेस में आरंभ करें अगर हम किसी पेशेंट को डेक्सामेथासोन दे रहे हैं? तो रिजल्ट्स डिस्प्ले करिए। अधिकांश लोगों का, 50% लोगों का यही कहना है कि 0.1 यूनिट पर केजी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहली डोज हम अगर 0.1 यूनिट लोअर डोज से ही शुरू करें तो इसमें कहीं भी कोई भी हार्म नहीं है। एक दिन का प्रभाव तो हम अपने पेशेंट में देख ही सकते हैं कि पहली डोज हमने लोअर डोज यूज की और अगले दिन से उसका रिस्पॉन्स देखते हुए तब हमने फिर डोजेस को बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि यूजुअली जो बात हमने पहले कही कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होगा जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकता है, जो कि काफ़ी सीवियर हो सकता है, और उस केस में हम क्या कहें, उस केस में हम क्या दें, तो जो रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, वो ये है कि ग्लार्जिन 0.2 यूनिट्स से हम आरम्भ कर लें, और अगर एनपीएच या डेटमेंट है तो 0.3 यूनिट पर केजी से आरंभ कर ले। अगर एनपीएच डेटमेंट दे रहे हैं तो इनको हम ट्वाइस अ डे स्प्लिट करते हुए, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन पे डिस्कस किया था कि 2/3 डोज मॉर्निंग में, 1/3 डोज इवनिंग में इसको दे के चले। और अगर पेशेंट हमारा बहुत एल्डरली है, अगर हेपेटोरिनल कॉम्प्रोमाइज के साथ में, तो हम लोअर डोजेज यूज करेंगे। ये रूल तो सब जगह सेम रहेगा। तो डेक्सामेथासोन के केस में हम थोड़ा हायर डोजेस से 0.1 यूनिट की जगह 0.2 यूनिट ग्लार्जिन या 0.3 यूनिट पर केजी एनपीएच डेटमेंट उनको डिवाइड करते हुए, लेकिन 0.3 यूनिट का सजेशन ये दिए भी गए, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम इसको थोड़ा लोअर रखते हुए 0.2 यूनिट पर केजी से ही आरंभ करें तो कोई इसमें विशेष हानि नहीं है। इस प्रकार से हम अपने, अगर हम इसी बात को रिवाइज कर लें, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जब हम दे रहे थे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रेगुलर यूज करेंगे, और चूंकि इसकी डोजेज यूजुअली 100 मिलीग्राम को एक बार में एक्सीड नहीं करते, तो इसमें हम 0.1 यूनिट पर केजी की ही डोज यूज करेंगे। और अगर हम मिथाइलप्रेडनिसोलोन यूज कर रहे हैं तो उसमें हम एनपीएच यूज कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन डोज प्रेडनिसोलोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन की, हम एनपीएच की डोज को बढ़ा सकते हैं और बड़ी हुई डोज के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर हम डेक्सामेथासोन यूज कर रहे हैं तो हम ग्लार्जिन या एनपीएच को वो भी 0.2 यूनिट या 0.3 यूनिट पर केजी के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो बात ये रही कि हमें थोड़ा सा नॉर्मल जो अपनी 0.1 यूनिट पर केजी की एक स्टैंडर्ड हमारा स्टार्टिंग डोज है, उससे थोड़ा हायर डोज देने की आवश्यकता
पड़ सकती है। अब हम कैसे इन डोजेस को टाइट्रेट करेंगे? डेक्सामेथासोन लॉन्गर एक्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, तो यहाँ पे इसके लिए मॉनिटरिंग जो एक सजेस्ट की जाती है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम की हम देखें और उसके अनुसार प्रीमेल मॉर्निंग प्रीमेल और इवनिंग प्रीमेल और उसके अनुसार अगर 110 से कम जा रही है तो डोज को कम कर दें, लेकिन अगर प्लस है तो हम 10% 20% बढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार से हम डोजेस को हम ग्रेजुअली टाइट्रेट कर सकते हैं। आप देख के चौंकेंगे कि 200-300 इतनी डोज है और इतना कम वेरिएशन कैसे है। यह वास्तव में ये यहाँ पे करेक्शनल डोजेस का हमारा इफेक्ट बढ़ जाता है कि हम अपनी ग्लार्जिन की डोज तो हम 10-20% बढ़ाएं, लेकिन बहुत हाई लेवल्स हैं तो एक करेक्शनल डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो उससे एडिशनल देंगे। तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया के केस में ये क्लियर कट सजेशंस हैं कि हमें सामान्य से थोड़ी ज्यादा डोजेस की आवश्यकता पड़ती है, और यह विशेष रूप से इसी वर्ष जो हमारे पब्लिश हुए हैं वो आर्टिकल्स हैं जिसमें एक साल के हाइपरग्लाइसीमिया कोविड केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया को बहुत ही एक्सटेंसिवली स्टडी करते हुए ये सजेशंस दिए गए। अब दूसरा फैक्टर आता है कि जब पेशेंट सीरियस था और हमने उसके लिए इंसुलिन थेरेपी आरंभ की, अब वो पेशेंट धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, तो अब हम जैसे जैसे उसकी डोजेस कम करेंगे तो एक सजेशन ये है कि यदि जितनी हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज में चेंज हो रहा है उसका 50% चेंज हम इंसुलिन की डोज में करते जाए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डोज हमने 50% घटाई अगर, तो इंसुलिन डोज को उसका आधा 25% कम कर दे। तो एक जो हमको पहले डोज एस्केलेट करनी है उसके बाद डी एस्केलेट करनी है, तो एस्केलेशन डी एस्केलेशन उसके अनुसार हम लोग डी एस्केलेशन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इस पीरियड में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं और सब पुराना किया धरा यहाँ पर एक बार में गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए डी एस्केलेट करते समय भी ध्यान रखें। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिस रेट से घटा रहे हैं उसकी 50% रेट से हम इंसुलिन की डोजेस को भी घटा देंगे। डॉक्टर डीपी सिंह कुछ अगर यहाँ ऐड करना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना जो अब आपका प्रश्न था वह प्रश्न हम अब अपनी पब्लिक के सामने रखते हैं कि इंसुलिन से तो हम लोगों ने इसको मैनेज करने का की बात की, लेकिन इंसुलिन अगर हमें पेशेंट को नहीं देनी, किसी कोई क्या कोई ऐसी भी संभावना है कि हम उनको ओरल थेरेपी से यूज कर सकें, उनको डील कर सकें? उसके पहले ये पेशेंट हमारे सामने आए, अभी इंसुलिन हमको आरंभ करनी है, हम लोगों ने बात की कि जब इंसुलिन आरंभ करनी है तो उस वक्त हमको ग्लूकोज लेवल करके देखना है जिससे करेक्शनल डोज भी हम साथ साथ यूज करते रहें। तो क्या हर पेशेंट को जिसमें जैसे कोविड का ही अगर हम उदाहरण दें, कोविड के पेशेंट आया, हमें मालूम है कि आया है सीरियस हो है पेशेंट तो हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हर पेशेंट को हम लोग डायबिटीज के लिए स्क्रीन करें जिससे हम कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दें? तो किस प्रकार से अगर हम इनको स्क्रीन करना है तो हम उनका क्या करें, रैंडम ग्लूकोज करें एडमिशन के टाइम पर, या अगले दिन मॉर्निंग वेट करें फास्टिंग ग्लूकोज करने के लिए, या हम इंतजार करें कि जब अभी पेशेंट का खाना खाने का टाइम हो तो हम प्री मील लें या खाने के बाद पोस्ट मील लें, या HbA1c करें? तो इनमें से हम क्या पॉलिसी लेके चलें इन पेशेंट्स की जिनको हम एडमिट कर रहे हैं? विजय जी ऑल्टरनेटिव लॉन्च कीजिए कि ये पेशेंट रमेश सुरेश दिनेश ये आए हमारे पास, हमें मालूम है इनको इंसुलिन हमें देना है, हम इनकी शुगर टेस्टिंग क्या पहले से, अच्छा इनमें से हमने एक बात मान ली कि इनमें से किसी को डायबिटीज नहीं है, कोई भी पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं है, तो क्या अनडायग्नोस्ड केसेस में हम लोग पहले से कुछ प्रिपरेशन कुछ स्क्रीनिंग की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे? चलिए देखें क्या रिजल्ट है। अधिकांश लोग कह रहे हैं एडमिशन के टाइम पे रैंडम ग्लूकोज करें। देखिए ये एडमिटेड पेशेंट में रैंडम ग्लूकोज की बहुत अहमियत है, हमारी और आपकी क्लिनिक में अगर पेशेंट आ रहा है तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह पॉलिसी छोड़ दीजिए कि उसकी रैंडम ग्लूकोज करें, क्योंकि वो रैंडम ग्लूकोज हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कर देती, वो हमको मिसगाइड ज्यादा करती है।
लेकिन अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है तो उसके लिए रैंडम ग्लूकोज की जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा है। तो अधिकतर हमारे 37% लोग कह रहे हैं कि रैंडम ग्लूकोज एडमिशन जरूर करिए, और ये रिकमेंडेशंस भी हैं कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में जो इसको हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं उसका एक एडमिशन ग्लूकोज हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम पहले से एक पेशेंट को जान सकें कि उसकी स्थिति क्या है। फिर नेक्स्ट डे फास्टिंग करना, नेक्स्ट मील के पहले प्री मील या पोस्ट मील, और HbA1c इसके हमें करने के पीछे सभी लोगों को मिक्स्ड ओपिनियन है कि इनको हम किसको कर सकते हैं। और वास्तव में अगर कहा जाए तो इनमें से सभी की अपनी अपनी महत्ता है। अब ये देखें जो हमारे अभी कोविड केयर फैसिलिटीज में जो अभी रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई पेशेंट को हम लोग एडमिट कर रहे हैं तो उस पर हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले डू ए रैंडम चेक, रैंडम ग्लूकोज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यह बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट जब वो भोजन करने जा रहा है उसके पहले प्री मील और 2 आवर्स पोस्ट मील, तो जो भी उसके बाद मेजर भोजन होगा उसका, तो भोजन के पहले और भोजन के 2 घंटे बाद यह भी करें। अगले दिन सुबह फास्टिंग और HbA1c यह करें। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक यहाँ ऑप्शंस रखे थे वह सभी वैलिड हैं, और ये सभी ऑप्शंस हमें इन केसेस में करने हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि किस प्रकार का उसका रिस्पॉन्स है। अगर द टाइम ऑफ एडमिशन 180 से ज़्यादा है, बिफोर मील 140, आफ्टर मील 180 से ज़्यादा है, या नेक्स्ट मॉर्निंग 100-110 HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब पहले से हाइपरग्लाइसीमिया था और हमें उसके अनुसार उसको और आगे मॉनिटर करके चलना है। डॉक्टर डीपी सिंह, यहाँ पे आप कुछ कहना और जोड़ना चाहेंगे? हमारे जो साथ में जो दूसरी फैकल्टी हैं डॉक्टर पंकज चौधरी, वो जल्दी अपना मुखड़ा नहीं दिखाते वो जब कुछ कहना होता है तो वो प्रकट करते हैं, और वो प्रकट हुए इसका मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनी, यहाँ पे आप और डॉक्टर दीपी सिंह, आप दोनों के इसकी प्रतीक्षा है कि इसमें एडमिशन टाइम में हमें कुछ और पॉलिसी भी रखनी चाहिए। मेरा मेरा पहला ये है कि ऐसे में HbA1c की भी अपनी बहुत महत्ता है जी। क्योंकि डॉक्टर पंकज, हम लोगों ने पहले भी जैसे उसमें वहां से डिस्कस किया है कि अगर पेशेंट पहले से डायबिटिक है तो उसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहती है, अगर वो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज है तो HbA1c हमें बताएगा तो उसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहती है, और अगर वो फ्रेशली डायग्नोस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे डायग्नोज हुआ है जबकि वो पहले से डायबिटिक था जो उसे नहीं मालूम था तो उसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहती है, ये तीनों कंडीशंस में प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो जाती है। और जो उस समय डायग्नोज हुआ हो जिसका HbA1c ज्यादा हो, जो पहले से था डायबिटिक लेकिन उसे अभी मालूम नहीं था, उसकी प्रोग्नोसिस वर्स्ट रहती है। तो हमारे लिए रैंडम के साथ साथ HbA1c की भी बहुत महत्ता है, ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। नहीं, थैंक यू डॉक्टर सोनी साहब, एडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ HbA1c, दैट इज ओके, बट इन ए दिस एक्यूट सिचुएशन व्हेन देयर इज स्क्रीनिंग ऑफ कोविड, रैंडम ब्लड शुगर इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज वेरी साइंटिफिक। वी हैव टू स्क्रीन द पेशेंट, यस इट इज रैंडम, एंड देन आफ्टर बिफोर इच मील और वी कैन डू दैट, एंड इवन इन दिस HbA1c कैन बी ऑर्डर, बट द फर्स्ट टेस्ट that will give the idea that patient has got hyperglycemia, random blood sugar is okay. Otherwise, we already, Dr. Pankaj has told about the each step, including the HbA1c, is so important. That's the blood sugar level in especially COVID facility, that is a new invention. What we find that if, after, before COVID,
there was no incidence, no history, nothing about COVID, this diabetes mellitus. And after, during COVID, he developed very high, 300, 400, 500, more than 500. Lot of cases have got a very high degree of hyperglycemia. And even after treatment, he persisted with that hyperglycemia. This new onset of this diabetes mellitus, that has been caused by COVID infections or perhaps whatever. Doctor? मेरा सर यहीं पे पॉइंट है. This very point, जो आपने पॉइंट आउट किया, कि जहां उसका कोविड में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ और वो हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्ट कर रहा है, तो हमारा HbA1c की यही इंपॉर्टेंस है कि अगर वो पहले से है, HbA1c उसका 5.7 से ज्यादा है, उसका 6 से ज्यादा है, बट देन वो प्री डायबिटिक था जिसे पहले से मालूम नहीं था, लेकिन अब स्ट्रेस से अगर उसका हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ गया और वो परसिस्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होगी. अगर उसका HbA1c पहले से 5.7 है और उसका हॉस्पिटलाइज होने के बाद सिर्फ हुआ है, तो उसका हाइपरग्लाइसीमिया डिस्चार्ज होने के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेस. तो ये चीज हमारी आगे प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. पंकज, योर कमेंट. पंकज जी आज तो पैड बांधे पेविलियन में बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आउट ही नहीं हो रहा, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा. पंकज जी अनम्यूट करिए और अपने विचार रखिए, फिर हम लोग जल्दी से हम मैं फिनिश करके आपको दूं. अरे भाई पंकज जी को अनम्यूट नहीं कर रहे हो. विजय जी ऐसा मत करना यार. देखिए मेरा ये बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मैं तो आराम से सुन रहा था सर सारी बातें. लेकिन डॉक्टर सोनी ने बोला सर एक स्टडी आई, नई स्टडी, उसमें ये बोला गया है कि जिनको डायबिटीज नहीं थी पहले और जिनको डायबिटीज हो गई है स्ट्रेस की वजह से या स्टेरॉइड वजह से, उसका आउटकम खराब हो रहा है कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग डायबिटिक्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको डायबिटीज नहीं है उनको अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, चाहे स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो चाहे स्टेरॉइड वजह से हो रहा है, उसका आउटकम खराब दिखा गया है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डायबिटिक पेशेंट का आउटकम बेटर है और जिनको डायबिटीज नहीं है उनका आउटकम खराब है, ये नई स्टडी आई अभी. डॉक्टर पंकज मेरे साथ सहमत होंगे सर. पंकज जी इसमें यहाँ पे एक जो बहुत कैच है वो किस बात का है, जिस पेशेंट को पहली बार डायबिटीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हमारी बॉडी, पेशेंट की बॉडी उसके लिए ट्यून्ड नहीं थी, उसके लिए ऑल टुगेदर न्यू इवेंट है. अगर हम ध्यान करें कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज एंटर होते हैं सेल में, तो जो ग्लट 4 है वो इंसुलिन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन इसके अलावा एक है ग्लट 2, तो जो ग्लट 2 है वो नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कराता है. और जो केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है सडन, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें ग्लट 2 सप्रेस्ड रहता है, प्रोटेक्टेड है वो एक तरह से, लेकिन जो नॉन डायबिटिक्स हैं एकदम से उनको सडन हाइपरग्लाइसीमिया हुआ फॉर सम और अदर रीजन, जो आप कह रहे हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हुआ या हॉस्पिटलाइजेशन इंड्यूस्ड, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हुआ, वो अनप्रोटेक्टेड है, उनमें ग्लट 2 के थ्रू ग्लूकोज एंटर होके और वो बहुत बवाल मचाता है, क्योंकि अभी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म इसके लिए एक्टिवेटेड नहीं है. तो ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, डिस्कशन हुआ तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अदरवाइज हम इसको अभी वैसे अवॉइड करना चाहते हैं. तो आप लोग की अनुमति तो हो तो हम आगे बढ़ें, जैसे कि जल्दी से जल्दी. जरूर, अभी हमारी कई डेलीगेट्स की ये डिमांड थी कि आपने GDM कवर नहीं किया. बिल्कुल ठीक है, वैसे हम लोग लेकिन पंकज ये बताओ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जी. ये जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे HbA1c को देखे, हमारे एंटीना खुल जाने चाहिए कि ये मरीज ठीक होके जाएगा या ये मरीज ठीक होने में बहुत टाइम लेगा. ये सर बिल्कुल उसी तरह का हुआ कि जैसे कहते हैं ना, यंग पेशेंट को MI हुआ तो प्रोग्नोसिस खराब है, और एक क्रॉनिक एंजाइना के साथ MI हुआ तो कोलेटरल्स खुली होती हैं तो प्रोग्नोसिस बेटर होती है. इसी प्रकार से अगर किसी नॉन डायबिटिक में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो उसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म अभी तक अगर HbA1c 6 से नीचे है और उसे हाइपरग्लाइसीमिया हुआ. चलिए सर, सारे पत्ते तो खुल गए, लेकिन अगला प्रश्न यही था.
कि HbA1c का रोल क्या, केवल इस बात को डिसाइड करने के लिए कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज थी पेशेंट को, पहले से कोई अनडायग्नोज डायबिटीज थी उसको पहचानने के लिए, या अभी जो डायबिटिक पेशेंट है पहले से डायग्नोज है उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल असेस करने के लिए, या आगे की ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी को डिसाइड करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर डीपी सिंह कह रहे थे। तो अब मेरे ख्याल से चीजें बिल्कुल क्लियर है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। हमें यह भी देखना है कि पहले से डायबिटिक था या नहीं था, क्योंकि यही डिस्कशन हो रहा था। अगर डायबिटिक नहीं था और हाइपरग्लाइसीमिया होता तो बहुत डिटिमेंटल हो सकता है। नंबर टू, अगर डायबिटिक है तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, जैसा डॉक्टर डीपी सिंह कह रहे थे ओरल थेरेपी रख सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो HbA1c अगर हमने देखा पेशेंट का और लेस देन 6.5 है और कोई पहले से हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब वो पेशेंट पहले से, उसको डायबिटीज नहीं है, जो कुछ होगा वो एक्यूट इवेंट होगी, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। इसके विपरीत अगर मोर देन 6.5 है और पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब उसको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज थी जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई और अब वो और एग्रेवेट करेगी। तो एक केस हुआ जिसमें डायबिटीज नहीं है और उसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरा केस हुआ जिसमें प्री एग्जिस्टिंग अनडायग्नोज डायबिटीज है और जिसमें अब एग्रीवेशन होगा। तो अब हमें ये HbA1c करना है, हर केस में करना चाहिए कायदे से, और उन केसेस में जरूर करना है जहां पे हम लोगों ने ये जो डोजेस डिस्कस की थी जो हाइपरग्लाइसीमिया करा सकती है, प्रेडनिसोलोन मोर देन 20, मिथाइल प्रेडनिसोलोन मोर देन 16, डेक्सामेथासोन मोर देन 4 मिलीग्राम, या जो वो पेशेंट्स हैं जिनमें पहले GDM हुआ हो, पहले इम्पेयर्ड फास्टिंग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हुआ हो, ओबीज हो या फैमिली हिस्ट्री के साथ। तो मित्रों अब अगर यह लास्ट में कुछ एक क्वेश्चंस जो दो एक बाकी हैं कि अगर हमारे पेशेंट को पहले से डायबिटीज नहीं थी और अब उनको स्टेरॉइड देना है तो हम कैसे उनको हम उनको मॉनिटर करें। चलिए मैं समय बचाने के लिए, क्योंकि पंकज जी के लिए फिर समय बहुत कम मिलेगा, ठीक है, हम इसको क्वेश्चन अभी ना पूछ के हम आगे बढ़ जाते हैं, किस प्रकार से इनको मॉनिटर करें। तो जो कहा गया कि पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब पेशेंट थोड़ा डिटेरियरेट किया, नॉर्मल से वो सपोर्ट पे आ गया, उसको IV इन्फ्यूजन वगैरह शुरू हो गए, स्टेरॉइड शुरू हो गए, या उसको पहले से कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, वो ओबीज है या ओल्ड एज का है, इसमें हमें मॉनिटरिंग को अपने बढ़ाना होगा। जो पहले हम एक या दो बार करके काम चला सकते थे नॉर्मोग्लाइसेमिक इंडिविजुअल में, अब हमें मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी। आउट पेशेंट में हम कम से कम एक टेस्ट रोल देखते रहें, कोई भी प्री मील या आफ्टर मील, डिपेंडिंग अपॉन किस समय कौन सी हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, और अगर वो लेस देन 200 है तब हम वंस अ डे मॉनिटरिंग करते रहें, लेकिन मोर देन 200 है तो उसकी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें बिफोर ऑल मील्स और बेड टाइम। ये अगर इन पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, तो हमें ये सारी ऑल प्री मील्स और बेड टाइम करनी ही करनी है। और इंसुलिन कब शुरू करेंगे, इनमें से इसके क्लियर कट सजेशन है कि फास्टिंग या प्री मील अगर 140 से ज्यादा हो और पोस्ट मील 200 से ऊपर हो, बिना देरी किए तुरंत इंसुलिन शुरू करिए। 140 और 200 यह इंडिकेशंस हैं ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी के, और टारगेट हमें क्या रखना है इसके ऊपर हम लोग पिछले सेशन में बहुत विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं कि 140 टू 180 यह हमारा यूनिवर्सल टारगेट है हर हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए, लेकिन अगर हम बहुत ट्रेंड हैं, हमारा स्टाफ बहुत ट्रेंड है, तब हम शायद उसको 140 से 110 से 140 वाला टारगेट पे रखना चाहें, लेकिन 140 टू 180 एक सेफ और अचीवेबल टारगेट है अधिकांश लोगों के लिए। और जैसा कि पूछा जा रहा था कि क्या हम ओरल एजेंट्स यूज कर सकते हैं इसमें, हमारा प्रेफर्ड मोड ऑफ थेरेपी क्या होगा, तो जो माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया वाले केसेस हैं उनमें हम ओरल एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जो नॉन क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं जो ओरली अलाउड हैं वार्ड में हैं उनमें हम सबकुटेनियस बेसल बोलस रेजिम यूज करें, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं जो ICU में है वेंटिलेटर पे हैं उनमें हम IV इंसुलिन इन्फ्यूजन यूज करें। और इसको हम लोग पिछले सेशन पे डॉक्टर पंकज के साथ बहुत विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, शायद हम लोग इसको आगे और डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रीफ आउटलाइन, अगर
लेस देन 140 ग्लूकोज लेवल है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। 140 से 200 है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। नॉन क्रिटिकली इल पेशेंट, ये वो पेशेंट है जिनमें हम ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर 140 से 200 में क्रिटिकली इल है, क्रिटिकली इल कोल भी हो पेशेंट्स, उसमें हमें आईवी इंसुलिन थेरेपी देनी है। मोर देन 200 है, हाइपरग्लाइसी में ज्यादा है, लेकिन पेशेंट ओरली अलाउड है और आराम से वार्ड में है, तब हम उसको सबकोटेनियस बेसल बोलस रेजिम पे रख लें। लेकिन यही पेशेंट अगर क्रिटिकली इल है तो फिर से हमें आईवी इंसुलिन थेरेपी पे जाना होगा। ओरल थेरेपी अगर देनी है तो कौन सी दे सकते हैं, मैं क्वेश्चन ना पूछ के स्ट्रेट वेज पे आगे बढ़ रहा हूँ, कौन सी इनमें ओरल ड्रग्स दी जा सकती है। तो देखिए, DPP-4 इनहिबिटर्स एक ऐसी लाजवाब मेडिसिन है जिसका कोई इंटरफेरेंस नहीं कहीं से, और इसको किसी भी पेशेंट पे हम दे सकते हैं। एक रीनल कॉम्प्रोमाइज के साथ जरूर प्रॉब्लम आती है तो वहां पे हमें इनकी डोजेज रिड्यूस करनी पड़ सकती है, या लिनाग्लिप्टिन टेनिलिग्लिप्टिन वहां भी दी जा सकती है रीनल कॉम्प्रोमाइज के साथ भी विदाउट डोज रिडक्शन। तो DPP-4 इनहिबिटर एक ऐसी ड्रग है जिसके लिए एक बार कहा गया कि कम से कम डिस्चार्ज के टाइम पे किसी पेशेंट को अगर कुछ ना समझ पाए कि कौन सी एंटी डायबिटिक डोज देनी है तो DPP-4 इनहिबिटर तो दे ही दो, क्योंकि नॉन इंटरफेयरिंग है, नॉन हाइपोग्लाइसमिक पोटेंसी वाली मेडिसिन है, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर पेशेंट स्टेबल है और सब कुछ ठीक है तो हम लोग मेटफॉर्मिन और सल्फोनिल यूरिया अंडर विजिल यूज कर सकते हैं। किसमें? माइल्ड नॉन क्रिटिकली इल स्टेबल पेशेंट में, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया वाले में हम लोग ओरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं। सेफेस्ट DPP-4 इनहिबिटर विद कॉशन मेटफॉर्मिन सल्फोनिल यूरिया। हाँ, SGLT2 इनहिबिटर जो कि इंटरफेयर कई तरह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वगैरह में भी करती है, और पाइग्लिटिडोन जो कि फ्लूइड रिटेंशन करती है, इनको हमें अवॉइड करना है। मेटफॉर्मिन सल्फोनिल यूरिया दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट हमारा जब वो सीवियरिटी उसकी बढ़ने लगी, मॉडरेट सीवियर लेवल का हाइपरग्लाइसीमिया होने लगा, तब हम उसको ले जाएं इंसुलिन थेरेपी पे। इंसुलिन थेरेपी में भी जैसे हमारे सुरेश जी थे जो वार्ड में थे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले रहे थे, उनमें हम प्रेफर करेंगे नॉन क्रिटिकल इल पेशेंट में जो ओरली एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसल बोलस रेजिम, और क्रिटिकल इल पेशेंट में जो निल ओरली है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उनमें हम प्रेफर करेंगे आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन पे हम लोग बहुत विस्तार में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उनके ऊपर डिस्कस ना करके और सीधे हम लोग इसको आज का सेशन यही समाप्त करते हैं अपना, मैं कि डिस्चार्ज टाइम पे हमको बहुत केयरफुल रहना है। डिस्चार्ज टाइम पे हमें पेशेंट को यह आगे का भी हमें नहीं मालूम, जैसे कि डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि 2 डेज तक उसका रिस्पांस हमारा रहता है, तो उसके बाद पेशेंट बहुत रैपिडली हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। हमने जो अभी मेडिसिन दी वो बाद में हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है, तो इसलिए हमें डोज की टैपरिंग पे विशेष ध्यान रखना है, पेशेंट को चीज़ें एक्सप्लेन करके भेजनी है, और बाद में जो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग बनाए रखना है जिससे कि हम क्या क्या चेंजेस हों उनको जान सके। और डॉक्टर पंकज जो GDM पे डिस्कस करेंगे, बस उनके लिए मुझे एक कनेक्टिंग लिंक ये समझ में आया कि स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया और GDM ये दोनों एक जैसी ही कंडीशंस हैं। दोनों में कुछ हॉस्पिटलाइजेशन स्टेरॉइड या प्रेगनेंसी इंड्यूस हॉर्मोन्स, या 3 प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं जो किसी पेशेंट में ट्रांसजेंट हाइपरग्लाइसीमिया करा सकते हैं। तो जैसे स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया में हमें बाद में पेशेंट को अंडर विजिल रखना है, वैसे ही GDM केसेस में भी बाद में अंडर विजिल रखना है। हालांकि कोई लेडी पकड़ में आती नहीं है डिलीवरी के बाद, सब भाग जाती हैं और 2-3 साल बाद फिर वो डायबिटिक होके आती हैं तब पकड़ में। तो ये स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया के साथ कम से कम ना हो, उस वक्त ट्रांजिएंट डिसऑर्डर है, लेकिन वो ट्रांजिएंट डिसऑर्डर ये मैसेज देके जाता है कि ये पेशेंट एट रिस्क है आगे हाइपरग्लाइसीमिया।